हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक और सबकी फेवरेट रेसिपी बनाने जा रहे हैं, सैंडविच। आज हम स्पाइसी पोटैटो चीज़ सैंडविच बनाने जा रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए, इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 से 8 आलू ले लिए थे, जिसको कि मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और अच्छे से मैश कर लिया है। साथ ही मैंने कुछ वेजेस ली है, आप अगर चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या इसके बजाय कोई और वेजेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक शिमला मिर्च और गाजर ले ली है, जिसको कि मैंने रफली चॉप कर लिया है। ब्रेड के स्लाइस चाहिए हमें, 8 से 10 ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे। अब यहाँ हरी मिर्च, लहसुन और नमक को मैंने एक साथ पीस लिया है, तो 8 से 10 हरी मिर्च ले लेंगे। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और नमक को अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे। आप अगर चाहें तो इसे काट के भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून। चाट मसाला चाहिए 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें। नमक मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले ली है। सॉस चाहिए हमें टमाटो केचप, ये आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रेड पे लगाने के लिए सॉस के साथ हमने हरी चटनी ले ली है। साथ ही हमें चाहिए बटर इस पे लगाने के लिए। सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने चीज़ स्लाइस में ले रखे हैं, आप अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते। तो ये देखिए, अब सैंडविच बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए थे, हमने सारे के सारे इन्ग्रीडियंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो ये देखिए, अब सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू की जो परावन है वो बना लेना होगा। तो उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है हमारा, और इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। आप अगर चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं या तो सिर्फ ऑयल और बटर में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने आपको तड़के के लिए मूवी और जीवा बताना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मूवी ऐड कर देंगे इसमें। आप तड़का अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आप अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये अच्छे से 1 मिनट तक के अच्छे से चला देंगे, ताकि जीरा अच्छे से भून जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। गैस की फ्लेम कम कर देंगे। तो ये देखिए, अदरक और लहसुन को डाल के मैंने 1 मिनट तक के अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें सारी वेजीज ऐड कर देंगे, गाजर और शिमला मिर्च। चला देंगे इसे, और हाई फ्लेम पे हमें इसे बस हल्का सा भून लेना है। वेजीज जो है हमें पूरे पके हुए नहीं चाहिए, बस हल्का सा कच्चा पक्का हमें इसे भून लेना है। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और लहसुन का हमने जो पेस्ट बना के रखा था। मिक्स कर लेंगे इसे भी अच्छे से, और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए, अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो हमने जो आलू अच्छे से मैश करके रख दिए थे, सारे के सारे इसमें डाल देने हैं। साथ ही सॉल्ट ऐड कर देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, नमक मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसमें सब ऐड कर दिया है। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, और अब हम चलते हैं सैंडविच बनाने की तरफ। तो अब परावन बनकर बिल्कुल तैयार है। अब सैंडविच बनाने के लिए हमने जो ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उस पर हल्का सा बटर लगा लेंगे। सारे ब्रेड के स्लाइस पे हमें बटर लगा लेना है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे ब्रेड के स्लाइसेस पे मैंने बटर अच्छे से लगा लिया है। अब हम इस पर डालेंगे टोमेटो सॉस। अब यहाँ पे हमने जो 4 स्लाइस लिए हैं, उस पे एक रखना है, इसलिए यहाँ पे हम इस पे डालेंगे टोमेटो को केचप। और इस साइड में हम डालेंगे हरी चटनी जो हमने ऑलरेडी बना के रखी थी। और अब हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। हरी चटनी और सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो अब यहाँ पे हरी चटनी और सॉस लगाने के बाद में अब हम इसमें हमने जो भगवान रखा था, भगवान अच्छे से बना लिया था, उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इसे इस पर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद में अब हम इस पर डालेंगे चीज़ स्लाइस। दूसरे ब्रेड पे भी अच्छे से इसे फैला देंगे, और यहाँ पे इसे अच्छे से इस पर कवर कर लेंगे। अब हम इस पर बटर ऐड कर देंगे, अच्छे से बटर को स्प्रेड कर देंगे।
दोनों साइड से अच्छे से बटर लगा के अब हमें सैंडविच को टोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए सैंडविच अच्छे से टोस्ट हो चुके हैं, हमारे बहुत ही चीजी बहुत ही क्रीमी सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है, आप इसे हैवी चटनी या सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल रेसिपी तैयार है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।